दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम सीखेंगे मटेरियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। एक ब्रिक वॉल है और हम इसकी मटेरियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ब्रिक वॉल में आपको पता है कि जब हम ईंटों की दीवार बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं, एक तो ब्रिक्स यूज़ करते हैं, दूसरा इसमें सीमेंट यूज़ करते हैं और तीसरा इसमें सैंड यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो पानी की रेशियो आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है जी, कि कितने पानी की रेशियो इसके मोर्टर में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास एक वॉल दी गई है और वॉल का साइज़ है 11 फुट इसकी हाइट है और 14 फुट इसकी लंबाई है और इस वॉल की जो थिकनेस है वो 9 इंचेस है, ठीक है जी। और 9 इंचेस को जब हम फोटो में कन्वर्ट करते हैं तो 0.75 फीट आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वॉल कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ वॉल हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि इसकी जितनी भी लंबाई दी हुई है 14 फुट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट के साथ है। तो जब इसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में इसकी थिकनेस के साथ यानी कि 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115.0 क्यूबिक फीट वॉल्यूम इसका। दोस्तों अब हम वॉल्यूम ऑफ मोटर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ब्रिक वर्क में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर मोटर यूज़ किया जाता है वो 10% यूज़ किया जाता है। तो चलें दोस्तों हम वॉल्यूम ऑफ मोटर कैलकुलेट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि 10 को 100 पे डिवाइड कर देंगे और टोटल वॉल्यूम ऑफ जो वॉल कैलकुलेट किया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। 10/100 × 115.5 कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोटर आ जाएगा 11.55 क्यूबिक फीट। तो चलें दोस्तों अब हम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉल हमने कैलकुलेट किया था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ मोटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारे पास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था 115.5 कैलकुलेट किया था और इसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ मोटर तो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा 103.95 क्यूबिक फीट। दोस्तों जिन जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 क्यूबिक फीट ब्रेक वर्क का जो वॉल्यूम होता है वो 13.5 होता है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ ब्रेक्स हमारे पास आ जाएंगे 103.95 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13.5 के साथ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 1404 ब्रेक्स। दोस्तों अब जो मैं बताने वाला हूँ ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, ठीक है जी। तो अब हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर कैलकुलेट करेंगे, यानी ब्रेक वर्क में जितना मसाला इस्तेमाल हुआ है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर हम इस तरह से कैलकुलेट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मोटर तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे ऊपर, ठीक है जी। तो अब हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जो हमने वॉल्यूम ऑफ मोटर कैलकुलेट किया था वो था हमारे पास 11.55, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 के साथ। दोस्तों 1.25 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि मोटर में जो पानी की रेशियो होती है वो 1.2% होती है, ठीक है जी। तो इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ मोटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 के साथ तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर आ जाएगा 14.44 CFT। तो दोस्तों मोटर में हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं और सैंड यूज़ करते हैं, ठीक है जी।
तो दोस्तों इस ब्रिक वर्क में हमने जो रेशियो इस्तेमाल की है मॉर्टर की, वो 1:4 इसकी रेशियो है। तो अब हम सम ऑफ रेशियो ले लेंगे, यानी कि 1 को प्लस कर देंगे 4 के साथ, तो ये बराबर हो जाएगा 5 के। 1 + 4 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 5। दोस्तों आपसे हम सीमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं जो रेशियो दी हुई है उसमें जो पहली रेशियो है वो सीमेंट की है, ठीक है जी। तो पहली जो रेशियो है सीमेंट की उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ड्राई वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर के साथ। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर जो था हमारे पास 14.44 था, ठीक है, और इस सारे को हम डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियो के साथ। तो सम ऑफ रेशियो हमारे पास 5 थी। तो दोस्तों जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.88। ठीक है दोस्तों जी। एक सीमेंट के बैग में जो सीमेंट का वॉल्यूम होता है वो 1.2 क्यूबिक फीट होता है। तो दोस्तों जब हम सीमेंट मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो हमें क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक फीट में नहीं मिलेगा बल्कि वो बैग्स में मिलेगा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास है सीमेंट का वॉल्यूम आया है 2.888, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.25 के साथ है, तो हमारे पास आ जाएगा 2.31 बैग्स। तो दोस्तों आधा बैग तो कहीं से मिलता नहीं है, इसलिए सीमेंट हम 2.31 को लिख सकते हैं 3 बैग्स। तो सीमेंट हमारे पास आ गया 3 बैग्स। दोस्तों अब हम सैंड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो सैंड के लिए सैंड की रेशियो ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर के साथ है। तो 4 × 1 4.44, ठीक है जी, और इसी तरह हम डिवाइड कर देंगे इसको 5 के ऊपर, तो हमारे पास सैंड आ जाएगी 11.55 क्यूबिक फीट, ठीक है जी। तो ब्रिक्स जो है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स ऊपर, ठीक है जी। तो दोस्तों ये है आज की हमारी मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रिक वॉल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।